बदलने की कहानी भी शुरू हो चुकी है। विक्रांत के साथ वो पहले गाने की रिकॉर्डिंग के लिए आई तो है, लेकिन काफी नर्वस है और विक्रांत उसे बार बार समझा रहा है। किरदार का फ्रस्ट्रेशन ये है विक्रांत का कि वो जानता है कि कल्याणी कितनी अच्छी तरह गाना गा सकती है, लेकिन वो ये भी समझता है वो कहाँ अटक रही है और वो उसके डिफिकल्टीज को यहाँ क्लियर करता है। कल्याणी को नर्वस देखकर विक्रांत यानी एजाज खान को भी अपनी जिंदगी का पहला शॉट याद आ गया, जब वो कल्याणी की तरह ही काफी नर्वस थे। मैंने जिंदगी में जब टेलीविजन में पहला शॉट दिया था, हमारे डायरेक्टर साहब थे अनिल सिंह सीनियर, तो उन्होंने कुछ शॉट लगाया था और मैं जब रूम में एंटर हुआ तो मैं कैमरा ढूंढ रहा था, कैमरा कहाँ है, मुझे नहीं दिखा कैमरा। उन्होंने जो मड में हम शूट कर रहे थे, बड़े विंडोज थे, विंडोज के बाहर अंधेरा था, वहाँ ट्रैक पे कैमरा लगाया था और कैमरा मूव हो रहा था, तो मैं पूरे टेक में, जिंदगी में जो पहला टेक मैंने दिया, पूरे टेक में मैं ऐसे ऐसे घूम के घर कैमरा ढूंढ रहा था कि मैं किस तरफ देखे लाइन्स बोलूँ। और उसके बाद उन्होंने मुझे रिपीट नहीं किया था, शायद मैंने बहुत बुरा काम किया उस वक्त, तो मेरे साथ भी हुआ है। खैर, फिलहाल तो विक्रांत हर तरीके से कल्याणी की मदद कर रहा है ताकि कल्याणी अच्छी सिंगर बन सके। तो क्या गाने के बहाने ही सही, करीब आएंगे विक्रांत और कल्याणी। विक्रांत तो यही उम्मीद करेगा, विक्रांत का किरदार तो शादीशुदा है ऑलरेडी, लेकिन ही हैज अ टेस्ट फॉर ब्यूटीफुल थिंग्स। सीजनली उनकी ख्वाहिशें बदलती हैं, लेकिन पैशनेट भी उतना ही है। कल्याणी इज ब्यूटीफुल। वैसे हम आपको बता दें कि कल्याणी का परिवार मुंबई के जिस मछुआरों की बस्ती में रह रहा है, असल में सीरियल की शूटिंग भी रियल लोकेशन पर ही हो रही है। उम्मीद है सपनों की नगरी कहे जाने वाली मुंबई में कल्याणी के सपने भी पूरे होंगे। मुंबई से पारस कोठारी के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।